दहेज की बलि चढ़ी एक दलित महिला, हुसैनाबाद थाना ने नहीं लिया अभी तक संज्ञान, परिजन है परेशान। बताएंगे पूरी खबर विस्तार पूर्वक, एक दलित परिवार की कहानी उसी की जुबानी सुनवाएंगे भी। मरते मरते क्या कहा उस लड़की ने, हाजिर हूँ मैं शेख मुजाहिद हुसैनाबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि हुसैनाबाद के जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, ये कुसवा में नदी बोला जाता है, नदी के नाम से जाना जाता है, ये पुल है यहाँ पे एक बहुत पुराना पुल कुसवा नदी के नाम से जाना जाता है और ये बागीचे के रूप में पहचाना भी जाता है ये एरिया। और देख रहे हैं जो भीड़ मेरे पीछे खड़ी हुई है, काफ़ी भीड़ है और ये भीड़ जब आई है तो यूँ ही बारात नहीं है बल्कि किसी की मैयत हुई है, किसी की मौत हुई है। ये हुसैनाबाद नगर पंचायत की घटना है और वार्ड नंबर 3 की घटना है। लोग झड़गड़ा से आकर हुसैनाबाद में हैं लेकिन प्रशासन अभी तक स्थल पर नहीं पहुंच पाई कि इनकी समस्याओं को संज्ञान में ले सके, इनकी समस्याओं को सुन सके, इनके दर्द को बांट सके। परिजन का कहना है कि मेरी बहन को जला दिया गया है और उसके बाद जब वो थाने में जाते हैं तो इसके लिए संज्ञान नहीं लिया जाता है तत्काल। कल की घटना है लेकिन आज लोग जमा हैं, शाम के लगभग मुझे लग रहा है कि 6:30 बज चुका है और इस वक्त ये झड़गड़ा की घटना है और इनकी बहन यहाँ पे ब्याही गई थी। यहाँ पे पीड़ित भी हैं, हम उनसे बात करेंगे पीड़ित से कि क्या उनके साथ हुआ, विस्तार पूर्वक वो बताएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय कुमार भारती हुआ। अजय कुमार भारती, कहाँ घर है आपका? झरगड़ा घर हुआ। झरगड़ा, तो आपकी घटना के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे कब घटी ये घटना? घटना सर, हम लोग का घटने की बात मालूम चला है, इसके बाद हम लोग यहाँ आए। क्या हुआ है यहाँ आए? तो हम लोग सर सूचना तो इन लोग घर वाला नहीं दिया कैसा ऐसा घटना हुआ है। अच्छा, तो हम लोग किसी दो अगल बगल से सही मिला है, फिर हम लोग वहाँ से आए तो यहाँ आने के बाद देखा तो कोई नहीं घर पर था, घर पर नहीं था तो हम लोग फिर यहाँ पता किए अगल बगल से, तो गाँव वाले बताया कि इन लोग डाल्टनगंज लेके चले गए। अच्छा, फिर हम गए डाल्टनगंज, तो फिर हम लोग बोलेरो किए यहाँ से, बोलेरो करने के बाद हम लोग डाल्टनगंज चले गए। 9 आदमी हम लोग डाल्टनगंज गए, वहाँ जा कर वाहन से भेंट किए, वाहन से भेंट करने के बाद देखा तो पूरा जला हुआ था, जलने के बाद पूरा ऑक्सीजन लगा हुआ था उसको, फिर हम लोग उसको ट्रीटमेंट कुछ लिए, कल रिकॉर्ड भी किया आपने? अच्छा, उस वक्त तक जीवित थी, बोल रही थी? हाँ, बोल रही थी। कुछ बताया भी उन्होंने? हाँ, बताया है। किसने ऐसा जुल्म किया? हाँ, उसने बताया कि कल मेरे गोतनी और उसका पति है, ऐसे दोनों मिलके कल जला दिया गया है। तो इस वक्त जो आपके बहनोई हुए, उनके परिजन हुए, वो लोग कहाँ हैं? सर आपके बहन के साथ वो लोग लेकर के गए थे? उसका भाई एक है और लड़का है और उसका एक भाभी है। अच्छा, उसके साथ में है? साथ में है। और उसके परिजन यहाँ पे? यहाँ पर परिजन तो हम लोग आए हैं सवेरे से, तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है सर। हम लोग गांव घर भी गए, फिर घर में से यहाँ आए, अभी तक कोई हम लोग का संपर्क नहीं हो पाया। ये सारे आप ही लोग के गाँव के लोग हैं? जो मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, और ये सारे लोग मुझे लगता है कि झड़गड़ा के निवासी ही हैं। एक पीड़ित परिवार, जो एक दलित परिवार है, उसकी बच्ची का जला करके, और उसके सबसे बड़ी घटना ये हुई है कि लोगों को सूचना भी नहीं दी गई कि इस तरह की घटना हुई है, और उसके बाद यहाँ से परिजन उसको अस्पताल ले जाते हैं और उसके बाद किसी गैर आदमी से उन तक ये बात पहुँचती है कि मेरी बहन को जला दिया गया है। उसके बाद ये लोग पीछे पीछे लग करके मालूम करते करते हॉस्पिटल पहुँचते हैं और अपनी पीड़ित बहन के साथ जो हुआ है उसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी किया है, उसको भी हम आपको डेस्कटॉप पे दिखाएंगे कि उस मृत बच्ची का क्या कहना है। पहले तो आप ये बताएं कि थाना में गए जब आवेदन लेकर के, आज आप मालूम हुआ कि गए थे, थाना ने क्या कहा आपको? सर, थाना में गए तो आवेदन लेके, तो आवेदन दिए, तो आवेदन पढ़ के बोले कि सर कारण, फिर तो जो मुंशी थे वो पढ़े, इसके बाद पढ़ने के बाद कल बड़े बाबू आ गए, बड़े बाबू आए तो देखे, देखने के बाद एप्लीकेशन बोले कि ये तो हम मैटर हम जान रहे हैं से कल ये जली है वही ना है, तो हम बोले कि हाँ सर यही वाली है, तो बोला कि देखो बाबू से कल हन जब तक ला आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक हम आपको कल हन ये एप्लीकेशन नहीं लेंगे, आ जाएगा तो हम उसी आधार पर हम आपको कल हन यहाँ पर एंट्री करेंगे। अच्छा, और क्या बोला उन्होंने? फिर इसके बाद बोला कि आप 10 आदमी के कल यहाँ पर एंट्री करा दीजिए,
गवाह के रूप में आप लोग चले जाइए। आवेदन नहीं लिया? नहीं लिया। आवेदन आपके हाथ में रहा? हमारे हाथ में। सबसे बड़ा सवाल है कि जब एक पीड़ित परिवार थाना हुसैनाबाद में पहुंचता है तो उसको क्या बोला जाता है, वो आप देख सकते हैं। लॉ इन ऑर्डर कितना फॉलो होता है ये तो बात की चीज़ है। मानवता सबसे बड़ी चीज़ पहले ये होती है कि जिस पीड़ित परिवार के साथ घटना घटी है उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके आवेदन को लेना चाहिए ताकि उसके साथ जो घटना हुई है उसकी पूरी चीज़ें घटनात्मक रूप में किस तरह से हुई हैं आवेदन के रूप में थाना को सूचना मिल जाए। लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं देखा जा रहा है, प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लिया है अभी तक। पीड़ित के अनुसार ये कहा जाता है आवेदन उसके हाथ में है जो आवेदन दिखा रहा है पीड़ित परिवार। लेकिन इस दलित परिवार के साथ क्या इस तरह का हो रहा है जो, वो सही है? क्या अन्य लोग इसी तरह से अपने आवेदन को लेकर के जाएंगे तो इस तरह की चीज़ों का निपटारा किया जाएगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कानून के पेचीदा और जानने वाले लोग समझ सकते हैं कि क्या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। एक पीड़ित परिवार जब आवेदन लेके जा रहा है हुसैनाबाद थाना तो क्या उसको यही आश्वासन देना चाहिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कोई संज्ञान लिया जाएगा? आज के लिए बस इतना ही। शेख मजाहिद हुसैनाबादी के साथ बने रहिए आरबीसी चैनल पर, हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।